नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि निमंत्रण के रूप बंकी मोगरा नगर पहुंचे अक्षत कलश निकाली गई शोभा यात्रा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश के अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। वहीं निमंत्रण के रूप में अक्षत कलश रायपुर शहर सहित अन्य जिलों में भी पहुंचे, जहां राम भक्तों द्वारा जगह जगह बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना के साथ पूरे नगर एवं ग्रामीण स्तर के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अक्षत कलश अयोध्या से रायपुर पहुंचे, जिसके बाद अलग अलग जिले में भेजा गया, जहां कोरबा जिला भी शामिल है। कोरबा जिले में 1 दिसंबर को अक्षत कलश गायत्री में पहुंचे, जहां राम भक्त द्वारा बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना किए जा रहा है। वहीं 12 दिसंबर को कोरबा से कलश अलग अलग खंड में बांटा गया एवं खंड के पदाधिकारियों को सौंपा गया, उसके द्वारा भी धूमधाम से पूजा अर्चना करते हुए अक्षत कलश को नगर में लाया गया और क्षेत्र के मंदिरों में स्थापित किया गया। अन्य नगरों के साथ साथ बंकी मोगरा में भी अयोध्या से अक्षत कलश पहुंचे, जहां नगर के राम भक्तों द्वारा पूजा अर्चना के साथ अक्षत कलश को स्थापित किया गया और फिर शाम को नगर में डीजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। ये कलश दिनांक 17 दिसंबर तक मुख्य चौक के सिद्धि दायित्री मंदिर में स्थापित रहेंगे, जिसके बाद क्षेत्र के हर गांव व शहर के मंदिरों में स्थापित किया जाएगा। सुने राम भक्तों ने हमारे चैनल के माध्यम से आगे किस प्रकार की जानकारी दी है और 22 जनवरी को नगर में क्या होने वाला है। कटघोरा से विकास सोनी की खास रिपोर्ट। मैं श्याम सिंह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कटघोरा खंड के खंड कारवा का दायित्व है। आज यह जो कलश आया है, जैसा कि भैया ने बताया, यह अयोध्या जी से अक्षत कलश और अक्षत के साथ में निमंत्रण पत्र और चित्रक, यह पूरे भारतवर्ष के हर एक गांव में इसका भगवान श्री राम का संदेश को, भगवान श्री राम का आमंत्रण को पहुंचाने का हम हिंदू धर्म के जितने राम भक्त हैं, आरएसएस और अन्य संगठन के लोग सभी ने मिलकर श्री राम जी का संदेश को गांव-गांव और घर घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने जिम्मा लिया हुआ है। इसी तारतम्य में रायपुर से 1 तारीख को कोरबा कलश पहुंची थी। कोरबा से आने के बाद यहां कोरबा से आज हम लोगों ने योजना के अनुसार कोरबा से आज हम लोगों ने बांकी मोंगरा के लिए कलश लाया है। बांकी मोंगरा में खंड के 14 मंडल और 123 गांव, ऐसा है 123 गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोग खंड सह कलश लाए हैं। कलश का आज से लेकर के 17 तारीख तक सिद्धिदात्री मंदिर में पूजन अर्चना होगा। गांव के और इस नगर के और आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सभी गांव के महिला पुरुष और सभी समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि प्रत्येक दिन अपने अपने समाज के साथ में आए और पुण्य कलश का दर्शन करें, अक्षत कलश का दर्शन करें, पूजन अर्चन करें। उसके बाद यह कलश 17 तारीख के बाद मंडल, हमारे कटघोरा खंड के 13 मंडल में यह कलश जाएगी और 13 मंडल के बाद फिर 122 गांव में, और 122 गांव के लोग, गांव के मुखिया और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक एक घर में भगवान श्री राम का यह निमंत्रण, अक्षत कलश और उनका एक चित्रक पहुंचना है। और 22 तारीख को, 22 जनवरी को पूरे अपने नगर में, ऐसे कटघोरा नगर में, ऐसे दीपका नगर में, ऐसे पूरा कोरबा जिला के 712 गांव में दिवाली उत्सव की तैयारी है। हर घर को दिवाली से भी बड़ा उत्सव मनाने का तैयारी है। और सभी गांवों को आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि गांव के प्रत्येक हिंदू अपने अपने घर को दिवाली से ज़्यादा अच्छे तरीके से सजाएं, तोरण लगाएं, घर में रंगोली बनाएं, इतनी खुशियां मनाएं, अपनी क्षमता के हिसाब से ज़्यादा खुशियां मनाएं। जिस तरह से हम लोगों ने दिवाली मनाई है, उससे बड़ी दिवाली, क्योंकि भगवान राम सिर्फ 14 वर्ष के बाद अगर अयोध्या आए थे तो इतनी खुशी हुई थी अयोध्या में। आज हम अपने गांव को अयोध्या समझ करके ये समझे कि 500 वर्ष के बाद भगवान श्री राम हमारे अयोध्या में पधारे हैं, तो इतनी खुशी हम लोगों को होनी चाहिए। हम लोगों ने इस चीज़ को पाने के लिए पीढ़ियां खपा दिया, हमारे 15-15 पीढ़ी इस चीज़ को पाने के लिए खपाए। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो
इस चीज को श्री राम का मंदिर बनते हुए, श्री राम को गृह प्रवेश करते हुए हम अपनी खुली आंखों से देखेंगे। हम ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं। जय जय श्री राम। जय जय। योगेश्वर साहू, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोरबा विभाग प्रचारक। आज जो है कलश पाटी मंदिर पहुंचे हैं, इसके संबंध बताएंगे कहां से पहुंचे और क्या इसका उद्देश्य। हम सबको मालूम ही है कि अपने पवित्र हिंदू धर्म के जो आदर्श भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, 500 वर्षों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद उस अयोध्या जो रामलला की जन्मभूमि है वहाँ पर भव्य मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, वहाँ पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी 2024 को संपन्न होने जा रही है, उस दिन उस शुभारंभ अवसर पर गांव-गांव में आरती, भगवान श्री राम जी का ध्यान और घर घर में इस प्रकार उस दिन उस उत्सव को मनाने के लिए दिवाली जैसा माहौल, जैसा कि हम जानते हैं कि राम जी 14 साल बाद वनवास से वापस आए, इस खुशी में दिवाली मनाते हैं। यह राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों बाद हो रहा है, इसलिए इसकी खुशी कितनी बड़ी होगी, कितनी व्यापक होगी, इसलिए इस खुशी को उस रूप में मनाने के लिए पूरा हिंदू समाज अपने अपने मंदिरों पर, गांव के मोहल्ले के मंदिरों पर इकट्ठा होकर इस उत्सव को दीपोत्सव के रूप में मनाने वाले हैं। यह खुशी का अवसर आने वाले समय में हम सब लोग देखने वाले हैं। यह क्रम से इस प्रकार की कार्य योजना बनी है। उसी तारतम्य में आज कोरबा से सर्वप्रथम रायपुर में राजधानी में आया, रायपुर से फिर जिला केंद्र कोरबा में आया, कोरबा से आज विकास खंड केंद्र कर कटघोरा की यह जो केंद्र है बाकी मोंगरा, यहाँ पर यह अक्षत कलश आया है। अब यह इसके बाद नीचे मंडल और होते हुए गांव और घर घर तक जाने वाला है। धन्यवाद।